हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लाई जीप और लफिंग जीप में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्लाई जीप यानी कि क्या होता है उसके बारे में। तो फ्लाई जीप जो है ये एक लिफ्टिंग डिवाइस है जिसकी मदद से जो है क्रेन ऑपरेटर को ये पता चलता है कि जो भी टारगेट एरिया है तो वहां पर जो है लोड को कहां से जो है उठाना है और कहां पर रखना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फ्लाई जीप जो है ये क्रेन ऑपरेटर के लिए काफी यूजफुल होता है लोड को वहां पर प्लेस करने के लिए। जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन का मटेरियल हो सकता है या फिर मल्टी स्टोरी जो भी बिल्डिंग है इसके अंदर में रखने का कोई भी मटेरियल हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि लफिंग जीप यानी कि क्या होता है उसके बारे में। तो लफ का मतलब ये होता है कि लोड को वर्टिकली लिफ्ट करने के लिए क्रेन की जो जीभ है उसको मूव करना। अब लफिंग जो जीभ है वो लोड के साथ में जो है वो मूव होती है, वो भी अंडर पावर। वो हो सकता है हाइड्रोलिक या फिर केबल, या फिर वो लोड को लिफ्ट करता है वो भी वर्किंग एंगल में, तो उसे लफिंग बूम कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि फ्लाई जीप और लफिंग जीप इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है उसके बारे में। जैसा कि आपके सामने में ये फ्लाई जीप की जो इमेज है तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक क्रेन का जो है यहाँ पर बूम है और उस बूम के साथ में जो है एक जीप जो है वो निकली हुई है। अब जीप का इस्तेमाल कब किया जाता है कि जब ये क्रेन का जो मेन बूम है वो वहां पर रीच नहीं हो पाता है जहां पर हमें मटेरियल उठाना है या फिर कोई मटेरियल को रखना है, तो उस समय जो है इस जीप का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो फ्लाई जीप है ये क्रेन के बूम के साथ में जो है कनेक्ट होती है। यानी कि क्रेन का बूम जब भी डाउन होता है तो साथ ही में जो है ये फ्लाई जीप भी जो है वो भी डाउन होती है, और क्रेन का बूम जब अप होता है तब जो है ये फ्लाई जीप भी जो है वो अप होती है। और इस फ्लाई जीप को जो है एक मास से जो है यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। अब हम बात करते हैं लफिंग जीप के बारे में। जैसा कि आपके सामने में जो है ये एक क्रेन है, तो इसमें ये जो क्रेन का पार्ट है इसे हम लफिंग जीप कहते हैं। ये इंडिविजुअल होता है यानी कि जब भी जरूरत अगर हो तो क्रेन को मटेरियल उठाने के लिए ये जो है ये इंडिविजुअली काम कर सकता है, वो भी इस क्रेन का जो मेन बूम है उसको यहाँ पर कांस्टेंट रखकर, जो फ्लाई जीप के केस में नहीं होता है। और यहाँ पर लफिंग बूम जो है इसको दो मास से जो है यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है, और ये दो मास के बीच में जो वायर है ये जो है ये मेन लफिंग जीप को जो है यहाँ पर कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा फ्लाई जीप और लफिंग बूम इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।